हेलो एंड वेलकम टू अंडरस्टैंडिंग रैप फीट ब्रदर वी। तो इसमें हमने देखा है रेडबुल का स्पॉटलाइट विद माय वेरी वेरी गुड, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक और बार। हेलो एंड वेलकम टू द अंडरस्टैंडिंग रैप वीडियो विद मी इज ब्रदर वी। और हम लोगों ने देखा है रेडबुल स्पॉटलाइट, इट्स अ रैप रियलिटी शो, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। तो हियर्स द वीडियो, अगर मज़ा आया तो लाइक मार दीजिए, और नहीं आया भी तो लाइक ही मार दीजिए यार, क्या जाएगा, एक बटन तो दबाना है आपको। सो हाउ वाज इट बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो? It was great, man. It was a great experience. Always a lot of fun to meet young, new talent and be able to guide them and mentor them. I mean, this is something I never thought could have happened when I started. And now that there's so many people doing this, and plus there are big avenues for everybody. There are so many people supporting this movement, and it's just a very proud feeling for me. अब यार आजकल तो हर किसी को ही रैपर बनना है ना। सही में पर एक एमसी बनना इतना आसान नहीं है ब्रो। बिल्कुल आसान नहीं है ब्रो। लाइक यू गॉट टू बी अ पोएट, यू गॉट टू बी अ रॉक स्टार, यू गॉट टू बी अ ग्रेट परफॉर्मर एंड आल्सो हैव दैट हंगर इनसाइड यू। एग्जैक्टली ब्रो, ऐसे कुछ हीरे ढूंढ के रखे हमने तुम्हारे लिए, बस उन्हें तराशना बाकी है। टू गुड ग्राफिटी एंड ऑल, मतलब पूरा इंटरनेशनल फील आ रहा है। जब मैंने देखा जेक की ग्रेफिटी, भाई क्या कर रखा है, बवाल मचा रखा है भाई एकदम गलत ना। I quit college for music. I do 24/7. I do music. I do full time music. I worked hard, bro. Like you don't know. My bathroom is my studio. There's no fan. There's no light. I just light up a candle. I put my phone up there. I play the beat on the phone. I write on the phone and record it on the phone. Taking bathroom singer to next level. जहाँ देखो वहाँ कैमरा। जहाँ देखो वहाँ कैमरा है। Hi. जो भी उस चैलेंज में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा ना, हुईड बी कॉल्ड द किंग पिन ऑफ द फकिंग चैलेंज। इसके लिए हेल्प करने के लिए फ्री स्टाइल के वर्कशॉप में तुम्हारे लिए हम लेके आए हैं दो बहुत ही सही एमसी। यस सर। ओह, डोपाडेलिक्स। 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 या। नाम क्या है उनका? ओह माय गॉड। जस्ट ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट गाय। ताना, ताना। Oh, this is called something, right? It's called scattering, I think. Scatting? It's scatting, scatting. Scatting. So basically, you just feel the beat and you try to come up with a melody, is it? It's basically like, you know, you practicing rhythms over an existing rhythm. Like vocally try to like, you know, add more rhythms within the pockets of a beat. It's if you have like, you know, something like what he's doing right now, like a beat is like 1, 2, 3, 4. And like, you know, you can be like, you never be able to be on the level that rather we be on, like you said. So that's yeah. Like a triplet flow. He's just flexing on the beat. You will not probably live for prominent evidence for human design because of my prodigy dominance. Super apology, probably because of damage. The part of me which was loud. He's like, gay, bhai. जिस तरह से वो फ्री स्टाइल करते हैं लगता नहीं कि फ्री स्टाइल करते हैं, लगता है कि वो प्री रिटन है। मैं प्री रिटन भी इतना स्मूथ नहीं करता वो जितना ये फ्री स्टाइल कर रहे हैं। यार तो देखो बात ऐसी है, घर जैसी है। ईच वन ऑफ यू विल हैव टू फ्री स्टाइल अ वन मिनट वर्ड्स फॉर अस। पहली चीज है हाउ मेनी वर्ड्स यू इनकॉर्पोरेट इन योर वर्ड्स, एंड सेकंड थिंग इज ओह सो देयर विल बी 20 वर्ड्स गिवन टू देम एंड दे हैव टू कम अप विद अ फ्री स्टाइल यूजिंग दोस वर्ड्स। यूजिंग दोस वर्ड्स यार। सीधा सर पे, আমি ছেলে খুবই দামড়া, একইভাবে যেন কথাগুলো বলে যাব উড়ে যাবে চামড়া, যেন শয়তান আমি যেন কথাগুলো বলে যাব খুবই যেন গরম। সালাম সবাইকে, একইভাবে কথা গলে যাব ভাইরে, একইভাবে যেন আমার সামনে এলে সব ব্যাপারগুলো জানি আমি গলে যাবে ভাইরে। तमाशा देख कल्टी तो ले, जिंदगी अच्छी है मेरी तो बे, मैं तो हूँ चल रहा हूँ इसी बीट पे, एक ही तो साथ में तो जैसे कर रहा फ्लो, जैसे करूँ मैं तो ग्लो, कुछ लड़के तो कर रहे ब्लो। I really like the performance so much. आगे आने वाले लोग के लिए टफ फ्लो होने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है। जो फ्लो भी है, जो यू नो इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब खतरनाक है ब्रो, किल्ड इट। थैंक यू सो मच। अगर स्पष्ट भाषा में बोलना है तो गांड फाड़ इंसान है तू, चिल मार। स्पष्ट भाषा तो नहीं थी भाई, ये स्पष्ट भाषा नहीं थी। ये
मुकाबला करूं मेरे दोस्त हैं भयानक यहाँ घंटा उखाड़ेंगे मेरा कुछ मैं हूँ तब भाई जोश में मेरा ख्याल मैं हूँ तवाड़ मैं जेठ के तहा दहाड़ू जैसे स्टार ये दासू है आवाज मेरी जिगर है फौलादी कला में भरी पड़ी है बुलंद है आजादी bro, he has used everything, bro. नंगा में नाचूंगा not bad he just said नंगा में नाचूंगा he doesn't care what he's saying he's using everything बीट बजी हुई खत्म दर्द उछाला खून खून है मेरी आदों में ये he literally said दर्द उजाला खून and three words are done अबे ऐसा मौज कर दे a kingpin for today's freestyle and flow is my man Short. Oh yeah. My man MC Ed Short. Beta, man mein laddu phuta. Damn. Well deserved. Completely well deserved. Yeah, you guys did a good job. Yeah. I just can't wait to see the next episode right now. Yeah, bro. I like this. I like this. I like the way, like, you know, everybody's getting their spotlight, literally. And the variety of, like, talent and skill level. And I think freestyle rap was the most difficult part in the beginning only they put it. So, I hope it gets true, easier true, for true. Them. Because it's too difficult, yeah, to freestyle. Yeah, yeah. Freestyle record. Is very hard, man. Especially if you're a newcomer. Yeah. It's very hard. Yeah. It's very hard. Freestyle. Kare Hindi mein hum. Raat ko khaye. Bindi hai hum. Come on, Samay. give me, like, 10 seconds of freestyle. Come on, just 10 seconds. Give me two words. I'll try. Theek hai. Hippopotamus. No, why would you do this to me, man? Why? Okay, hippopotamus is the word, okay. Go on, yaar. Hippopotamus or Philadelphia? Fuck you, man. मैंने चिल किया इन फिलाडेल्फिया आई स्मोक सिगरेट्स फिर मैंने किल किया मैंने ड्रिल किया मैंने थोड़ा चिल किया इग्नोर करूं मैं तुझे जस्ट इग्नोरेमस हूं मैं सबसे बड़ा हिप्पोपोटामस हूं मैं यो थैंक यू किंग पिन प्लीज गिव मी किंग पिन गाइस इट वाज किक एस ब्रो आई एम टेलिंग यू इट वाज किक एस दिस इज द काइंड ऑफ शिट दैट विल गेट लाइक यू नो 100 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब Let's give it up for one of the most unique artists of the country, the OG, Nezzy the Boss! कहाँ मिलेगा ऐसी रही जी? हमको ऐसा लगता है कि स्टोरी टेलिंग खत्म हो जाएगी लेकिन वो इन्फिनिट है भाई कभी नहीं खत्म होगी लाइफ के फेजेस के हिसाब से भी चेंज होती रहती है स्टोरी अभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम की वजह से इशू की वजह से मैं गायब था मैं टूट गया था हार गया था और बहुत मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरा खात्मा है ये मेरा अंत है लेकिन उस वही मेरी नई शुरुआत बन गई मेरे पापा मतलब किसानी करते थे गांव में तो मतलब भूखे मरने वाला सीन वो देखा है ना पापा दिल्ली आ गए थे मेरे तो उन्होंने काम वाम स्टार्ट किया और हम लोग को लेके आया पाला वाला उस टाइम पे नलका होता था हैंडपम्प नलके में कभी नहीं था पानी नहाते ही नहीं थे जो कि काम खानदानी फोफिया मैम का उन्होंने कहा काफ़ी गट्स चाहिए मतलब ये चीज़ बोलने के लिए बच्चे जो सच्चे से हाथ पैर कच्चे से घूमते हैं कच्चे में उनको तू सलामी ठोक व्हेन माय गर्लफ्रेंड वाज सपोज्ड टू बी अलोन एट होम एंड शी कॉल्ड मी द प्रीवियस नाइट दैट यू नो माने यू शुड कम ओवर दीज मिक्स्ड थॉट्स वर ट्रैवलिंग इन माय माइंड रोमांस लस्ट नॉटीनेस सी दिस गाय हैज नो हैंड पंप प्रॉब्लम्स नो एग्जैक्टली girlfriend yeah, called kind of hand pump problems his problem is that his girlfriend wants to have sex with him and he has to go there that's his problem but suddenly the intimacy had just vanished because someone rang the doorbell delivery boys I tell you be careful of these guys these are the guys who might hit you I had to run something like this happened to you no never with a delivery guy I think once her father had come but that's a different story yeah he gone god स्याही गुनेगार स्याही गुनेगार गिरफ्तार कारोबार बचा कोई नहीं जिम्मेदार गोली दागे यार पार फिर भी यलगार करने देखो बेकरार मेरे यार सारे भागे पार कैसे तड़ी पार खत है खौफनाक धमकियों से परेशान अल्लाह शुक्र करे खुशी रहे मेरा परिवार मन में सपना एक बंगला होगा आलीशान काल कोठरी में बंद मैं संसार का शिकार लिख ना पाया मेरे अपनों को ये खत में मेरी हालत ऐसी कुछ दिनों में जिए किससे हजार हजम ना खाना मुझको जेल का भूखा मरा मैं याद आई माँ की रोटी दाल वो भी बेमिसाल खून बहता हर एक अंग से जब डंडे पड़ते बदन पे ये कलंक मेरे मत्थे पे है शर्मनाक दिल में ज्वाला जलती बुद्धि मेरी काबू में फिर भी तेरे फकारों का फकीर दूं मैं क्या जवाब मैन दिस वाज सो डोप दिस वाज सो गुड एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट द लिरिक्स द फ्लो एवरीथिंग
on point. Man, the word rhyme, the words is used. What he's saying, like, you know, has a lot of social message sort of a thing as well to it. He's really talking about, like, you know, how society looks at women and how it suppresses them, and they don't let women, like, you know, even talk to men, look men in the face and talk without making judgments. That's the common thread that binds the entire country. Different cultures, different religions, everything is different, but women oppression, all is the same everywhere. Yes. We go. Egan. Yes. Kill. Romba nandri. Thank you so much, bro. Ego bhi sikhao na thoda. Supra pandiga, Roma randi. It was at this moment that he knew. He fucked up. Kya bol diya bhai Nezi ne yaar. So guys, what an episode, man. Guys, if you had fun, please keep watching it with us. I'll keep reacting on the next episodes also. To tab tak ke liye, Roma randi to all of you guys. But we, man, such a fun episode. Thank you so much for joining, man. Thank you, man. Thank you for having me here. कहाँ मिलेगा ऐसी रही जी? कहाँ मिलेगा ऐसी रही जी? कहाँ? तुम्हारे गान के पीछे